जैसा कि आपने थंबनेल में तो ऑलरेडी देख ही लिया कि ANC है। देखिए, जितने भी आप बोट्स के नेक बैंड, हेडफोन्स या फिर जो है इसके ईयरफोन्स देखते होंगे या फिर लिए होंगे, तो वहां पे मे बी आपको ये फीचर्स लिखा हुआ भी मिला होगा या फिर आपने रिव्यूज एक्सेट्रा में भी देखे होंगे कि इसमें ANC है, दैट मीन एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। कुछ में तो इनबिल्ट होती है कि लाइक वो आपके नॉइस को डिटेक्ट करके एक अच्छे खासे साउंड को जो है आपको प्रोवाइड करती है, बट कुछ कुछ में यहाँ पे आपको मैनुअली बटन्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हमारी नेक बैंड है, ये है बोट रॉकर्स 333 ANC, तो यहाँ पे आपको एक ANC की अलग से बटन्स मिल जाती है। सो ये ANC की बटन क्या है, कैसे यूज करना है एंड इसमें कितने मोड्स हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बट हाँ, इसकी अगर आप अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दिया हूँ, एंड इसके साथ साथ और भी दूसरे नेक नेक बैंड्स की जो कि रिसेंटली लॉन्च एंड सेल्स हुए हैं उसके कॉम्पेरेटिव वीडियोज भी हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आते हैं आप टॉपिक्स के ऊपर। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशंस जो कि यहाँ पे फिलहाल आपकी 25 डेसिबल्स तक यहाँ पे नॉइस को डिटेक्ट करती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप इसको अपने कानों में जिस तरह से ऐसे इसको वियर करते हैं, पहनते हैं, तो क्या होता है कि जब भी आप इस तरह से पहनने के बाद आपके आसपास की जो साउंड होती है ना, जैसे आप इसमें वन क्लिक करेंगे, पहले तो ये नॉर्मल मोड पे रहेगी, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि आपके यहाँ पे आसपास में जो है एक कॉम्प्रेशन पैदा करती है जो कि आपके आसपास के जितने भी साउंड्स हैं उसको ब्लॉक करती है, एंड आपको जो है एकदम नॉइस फ्री साउंड ड्यूरिंग कॉल्स या फिर जो है लिसनिंग म्यूजिक के दौरान ज़्यादा एक्टिव होती है। एकदम साइड आसपास के जो आपकी नॉइस है वो सुनाई नहीं देगी, क्लियर क्रिस्टल साउंड्स एकदम जो है लगेगा जैसे कि आपके कानों को किसी ने बंद करके उसमें रुई को जो अलग से ठूंस दी गई है, ऐसा साउंड फील्स होता है। सेकेंड इसमें मूड है एम्बिशियस मूड, सेकेंड टाइम पे प्रेस करेंगे तो ऑलरेडी वहाँ पे जो है एक आपको भी अनाउंस सुनाई देगी, एक्टिव ANC मूड, एम्बिशियस मूड। एम्बिशियस मूड में क्या है कि लाइक आप म्यूजिक सुन रहे हो या फिर ओवर द कॉल बात कर रहे हैं तो आपके आसपास के जो साउंड है थोड़ी आपको लाउड करके आपको सुनाई जाएगी, लाइक कि आप किसी एक बड़े से हॉल में आ गए हैं एंड आपके आसपास के लोग जितने जो बात करते हैं तो एक जो एनवायरमेंटल जो मतलब बात कर जो साउंड्स होती है ना वो आपको जो है थोड़ा लाउड सुनाई देता है एम्बिशियस मूड में। थर्ड वन इज नॉर्मल मूड, जहाँ पे ना उतना ज़्यादा एम्बिशियस मूड रहती है ना ही उसमें ANC रहती है, नॉर्मल होती है, आप उसमें म्यूजिक भी सुन सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, तीन मूड्स है, तीनों के तीनों जो है काफ़ी यूजफुल है। बट ANC में थोड़ी सी मुझे जो है यहाँ पे लगी कि आपको हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होती है एंड बैटरी का भी कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको बैटरी बैकअप उतनी नहीं मिलती है जैसे कि कंपनी का एडवर्टीजमेंट होता है 24 आवर, 30 आवर एंड लाइक एज, इसके डिपेंड करती है इनके यूज़ के ऊपर। बट यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा कि आप नॉर्मल मूड में ही ज़्यादा यूज़ कीजिए। एम्बिशियस मूड का यूज तब कीजिए जब आप लाइक ही अगर ड्राइविंग एक्सेट्रा या फिर जो है रास्ते में चलते वक्त ऐसे कर रहे हैं, हालांकि ड्राइविंग के टाइम पे तो करना ही नहीं चाहिए इस यूज इसे, जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो तो एकदम मत कीजिए, अवॉइड कीजिए इसको। बट लाइक ऐसे कि कभी होता है कि लाइक आप रास्ते पे चल रहे हैं या फिर फुटपाथ पे ही चल रहे हैं एंड आपको आसपास का भी साउंड को भी ख्याल रखना है कि चलते वक्त, तो उस टाइम पे एम्बिशियस मूड काफी हेल्पफुल होती है, बस वो आपके आसपास के एनवायरमेंटल साउंड्स को भी जो है आपको क्लियरली आपको सुनाई पड़ती है, लाइक पीछे से कोई व्हीकल्स एक्सेट्रा आती है, लोग आते जाते हैं तो उनको क्लियरली सुनाई देती है। तो ये थे इसके तीन मोड ANC के ऊपर कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन क्या है, इसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ छोटे से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक शेयर एंड चैनल पर नए होंगे इसी टाइप से टेक अनबॉक्स एंड ट्यूटोरियल्स रिलेटेड वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ।